तो छात्रों, आज जो शिष्ट भाग बच गया था ऋक्षशिला अध्याय का, चित्रा और स्वाति नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो उसका क्या फल होगा, आप देखें। आचार्य कहते हैं यहां क्या कि चित्राम वरमाल्यधर सुलोचनांगस स्वभावति चित्रायाम दांतो वनिक कृपालुः प्रियवाक धर्माश्रितः स्वातौ। अर्थात चित्रा कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है वह क्या होता है, सुंदर विविध प्रकार के माला आभूषणों सुगंधित आदि पदार्थों को धारण करने वाला होता है और अपने मति को गुप्त तरीके से रखता है, धनवान और प्रतिष्ठित रहता है और ऐसे जातक का शरीर सुंदर हो चित्रकारी और अद्भुत क्रियाओं को करने वाला भी होता है, बहुमूल्य पदार्थों तथा को क्रय और विक्रय करने वाला होता है, लेखन शक्ति गणित आदि विद्याओं में भी वह निपुण होता है। ऐसे जातक को गुरुजन माता पिता श्रेष्ठ जनों के प्रति स्वयं भक्ति लगी रहती है। यदि स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया उसके विषय में कहते हैं कि वह जितेंद्रिय होता है, बहुत शर्मीले टाइप का लज्जावान होता है, व्यापार में उसकी गति रहती है, साथ ही दयालु धार्मिक भोगी और ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है। किसी एक प्रकार की धातु में वह कुशल हो जाता है, धातु कर्म में, धातु और पशु में भी रुचि रखता है। इसी प्रकार यदि वह कन्या हो इसमें तो वह सुखी और पराक्रमी भी हो। मित्रों, वैशाखा और अनुराधा नक्षत्र के जन्म फल के विषय में बताएं। आचार्य कहते हैं कि ईर्ष्यार लुब्धो द्युतिमान वचन पतु कलह कृत विशाखासु आढ्यौ विदेशवासी क्षुधालुहु अतनो अनुराधासु। अभिप्राय क्या है यहाँ पे आचार्य का कि विशाखा नक्षत्र में यदि कोई जातक जन्म लेता है तो पराए को दूसरे को संताप देता है, लोभी होता है, बोलने में चतुर और घमंडी भी होता है, क्रोधी होता है और स्त्रियों के वशीभूत होता है, साथ ही और भी विविध प्रकार के दंतादि विक्रय विक्रय ख्याति आदि में जुक्त होता है। लेकिन यदि अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ वह जातक धनवान भी होता है, भ्रमणशील होता है, सबका प्रिय होता है और अच्छा बोलने वाला, सुखी, पूज्य, यशस्वी और शक्तिशाली भी होता है। ये जातक प्रदेश में भी रहता है और सुंदर होता है, हास्य प्रिय होता है और इसमें इस तरह के बहुत सारे गुण रहते हैं। अब ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला है उसको उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठा सुन बहुमित्र संतुष्टो धर्मकृत प्रचुर कोपः मूले मानी धनवान सुखी न हिंस्र स्थिरो भोगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के में उत्पन्न होने वाले जातक के विषय में आचार्य कहते हैं क्या कि यह जातक बहुत क्रोध करने वाला, कम मित्रों के साथ रहने वाला, संतुष्ट और धर्म में रति रखने वाला होता है। यह षड्यंत्र में चतुर और विद्या और काव्य का प्रेमी भी होता है और इसके मुख और नेत्र सुंदर होते हैं। मूल नक्षत्र के विषय में कहे कि मूल में जो व्यक्ति पैदा होता है वो अभिमानी होता है, भोगी होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, अहिंसक होता है और बड़ी चतुरता से अपनी बात रखता है और किए हुए कार्यों को फट से भूल जाता है, कृतघ्न होता है, कई प्रकार के कार्यों में रुचि रखने वाला, कारीगरी सीखने वाला, दवाओं का क्रय विक्रय करने वाला, बाग बगीचे का शौकीन भी होता है। पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के विषय में आचार्य कहते हैं कि इष्टानंद कलत्रो मानी दृढ़ सौहृदश्च जलदैवे वैश्वी विनीत धार्मिक बहुमित्र कृतज्ञ सुभगश्च। अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब जातक जो पैदा लेता है वह किस प्रकार का होता है, इसके लिए आचार्य कहते हैं वह व्यक्ति अभिमानी होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और क्या करता है, अपने अभिष्ट को सिद्धि करने वाला और सारे गुणों से युक्त, दूसरे को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंदित करने वाला भी होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि व्यक्ति कोई जन्म लेता है
तो वह क्या होता है, धार्मिक होता है, बहुत सारे मित्रों से युक्त, कृतज्ञ और सभी लोगों का प्रिय होता है, विद्वान भी होता है, विनीत भी होता है और अपनी बुद्धिमता से सारे कार्यों को संपन्न करता है। साथ ही उसकी आजीविका अच्छे कर्मों से चलती है, एक वैशिष्ट है इसका। अब आपके सामने श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के फल को बताते हैं। इसमें कहते हैं आचार्य क्या कि श्रीमान श्रवणे श्रुतवाद श्रुतवान उदारो धनान्वित ख्यात दाता आढ़ सूरो गित प्रियो घनिष्ठा सुधन लुब्ध। कह रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र में जो जातक पैदा लेता है उसका वैशिष्ट बता रहते हैं क्या कि वह शोभायुक्त और बहुत प्रकार के विद्वान धनी प्रसिद्ध ईश्वर के प्रति प्रेम रखने वाला होता, बहुत संतानों से युक्त और तीर्थ प्रेमी भी होता है, तीर्थाटन भी करता है, उसकी स्त्री भी उदार होती है, वाचा अच्छी होती है, लेखनी अच्छी होती है, इस प्रकार का गुण उसमें रहता है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक धनी सूर साहसी दानी गीत प्रिय एकदम सिंपल भोला भाला पुस्तक पढ़ने वाला उदारवादी सबसे प्रेम करने वाला भी होता है। ये लेकिन एक दोष है कि वह उसकी प्रकृति कफज होती है जिससे रोग आदि की भी संभावना होती है। मित्रों सत्विष और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातक का क्या वैशिष्ट है, आचार्य कहते हैं कि स्फुट वाग्म व्यसनी रिपुहा साहसिक सतभिषजी दुर्ग्राह्य भाद्र प्रदात सुदिग्न स्त्रीजीत धनी पटु अदाता च। अर्थात सतभिष नामक नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा लेता है वो हमेशा सत्यवादी स्पष्ट वक्ता दुर्व्यसन में आसक्त बिना विचारे कोई कार्य करने वाला ज्योतिष शास्त्र को ज्ञान रखने वाला बहुत बोलने वाला जातक और कभी कभी दुराचारी भी होता है, मदिरा आदि का भी क्रय विक्रय पान करता है। लेकिन पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र में जो उत्पन्न होता है उस जातक का फल होता है कि वह दुखी रहता है, कृपण भी होता है, स्त्रियों के वशीभूत होता है, जैसी स्त्रियां कहती हैं वैसा करता है, निर्बल भी होता है और उसकी मनोवृत्ति अच्छी होती है परंतु कभी कभी वह विरुद्ध भी रह करके अपने कार्य को संपादित करता है। इसी प्रकार उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जो जन्म फल है उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि वक्ता सुखी प्रजामान जित शत्रु धार्मिको द्वितीयासु संपूर्णांग सुभग सुर सुचिर अर्थवान पौष्णे। अर्थात उत्तरा भाद्रपद नामक नक्षत्र में यदि कोई जातक उत्पन्न हुआ तो अच्छा बोलने वाला, संतान सुख, शत्रु विजय, शत्रु विजय प्राप्त, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, धार्मिक और विद्वान धनी साहसिक आदि गुणों से युक्त होता और उसके क्रोधाग्नि भी कभी कभी बढ़ जाती है वो जातक और उसके शरीर सौष्ठव भी सुंदर होता है। रेवती नामक नक्षत्र के लिए आचार्य कहते हैं कि वह सभी प्रकार के अंगों से पुष्ट होता है और सभी प्रकार का प्रिय होता है, ऐसा नहीं वह साहसी भी होता है, पवित्रता से अपनी कार्य को गति देता है, कामातुर भी होता है, अपने कार्य को साधने के लिए किसी स्तर पर चला भी जाता है, योग्य होता है, पुत्र मित्र परिवार से युक्त होता है, लक्ष्मीवान होता है, कुशाग्र होता है और स्थिर विचारवान होता है और उसके शरीर में कोई ना कोई चिन्ह भी रहते हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त वह व्यक्ति होता है जिसका जन्म रेवती नामक नक्षत्र। मित्रों इन प्रकार से नक्षत्रों की जो परिकल्पना आचार्यों ने की और 27 नक्षत्रों में जो विभाजन किया पूरे समग्र आकाश खंड का और उसमें नक्षत्रों की स्थितियों से जो फलादेश की परिकल्पना है वो आधुनिक विज्ञान के लिए भी चुनौती है। आज भी नक्षत्रों की संख्या, नक्षत्र की वैज्ञानिकता वही है जो हमारी 5वीं शताब्दी में आचार्य वराह मिहिर ने बताई थी। नक्षत्रों का ज्ञान हम उनके तारों और स्वरूपों के माध्यम से करते हैं और उन नक्षत्रों का मनुष्य जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव बस मनुष्य में क्या शुभाशुभ गुण अवगुण उत्पन्न होते हैं, इसी का निरूपण इस ऋक्षशिला अध्याय में आचार्य ने किया है।
अब आइए सारांशिका पे नजर डालते हैं। इस पाठ का मुख्यांश क्या है? तो कहते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र वस्तुतः अच्छा कहेंगे, क्योंकि आभूषण प्रेम सबका प्रिय चतुर्बुद्धिमान आदि गुण है, भरणी में थोड़ा सा दोष दिखाई देता है। इसी प्रकार कृतिका भी ठीक लगता है, रोहिणी में भी एक गुण की अधिकता, प्रत्येक नक्षत्र में कुछ गुण के साथ अवगुण भी दिखाई दे रहा है। जैसे आद्रा नक्षत्र का व्यक्ति मूर्ख होता है, अन्य वस्तुओं में हिंसा करने वाला, पापी, तो आर्द्रा को नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातक का फल हम अच्छा नहीं कह सकते। पुनर्वसु का अच्छा है, पुष्य का अच्छा है, लेकिन श्लेषा को अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं मूल में आप देखें जो जो गंडांत नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं यहां भी कुप्रभाव से प्रभावित दिख रहे हैं। यही कारण था कि गंडांत रूप में नक्षत्रों का जो छह नक्षत्रों की परिकल्पना आचार्य ने की है उसे कहीं ना कहीं उसके फल के परिपाक को देख करके किया गया है, ऐसा आचार्य बराह मिहिर के ऋक्ष शिलाध्याय को देखने के बाद प्रतीत होता। अब देखिए आप, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका फल अच्छा है, हस्त का फल अच्छा है, चित्रा का भी फल अच्छा है, स्वाति का भी फल अच्छा है, विशाखा, अनुराधा, परंतु ज्येष्ठा में कुछ दुर्गुण है, मूल में भी कुछ दुर्गुण है, हिंसा, स्थिरमति, भोग करने वाला, इस प्रकार का पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण की भी जो श्रवण का जो वैशिष्ट है वो भी उत्तम ढंग से है, धनिष्ठा का भी जो है वह अच्छा माना गया है। सतभिस पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जो सभी अंगों की पुष्टता को ध्यान करके सूरवीर और पवित्रता और धनवान होने का जो योग बताया गया है, मित्रों यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अतः आपको अधिकाधिक रूप से पढ़ने के लिए इसके मूल जो लिखित पाठ है उसका अध्ययन करें। आज यहीं विराम लेते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।